भाई 17 दिन हो चुके हैं आज चन्ना फिश अभी तक कुछ नहीं खाया, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। चन्ना फिश को मैंने शिफ्ट किया था 17 दिन पहले आरोना टैंक में, लेकिन आरोना टैंक के अंदर ऐसा हो रहा है कि आरोना डरी हुई है चन्ना फिश को, चन्ना फिश डरी हुई है आरोना को, दोनों से दिक्कत हो रही है। अभी एक दूसरे को देख देख के ये डर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा है, मॉन्स्टर फिश का यही दिक्कत है भाई। हम लोग लाकर रखते हैं, कुछ सोचते हैं हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएंगे, लेकिन बाद में आकर इनके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कतें आ ही जाती है। जितना भी कोशिश करो कुछ ना कुछ आपस में सुलह करने की कोशिश नहीं करते। 17 दिन हो गया अभी खाना नहीं खाई, लाइफ फिश डालकर देखा, रा चिकन डालकर देखा, बहुत सारा ओवर फीडिंग करके भी डाल दिया, बहुत सारे नीचे पड़ा हुआ था फूड ऐसा भी कर दिया ताकि वो आकर एटलीस्ट खा सके रात में, वो भी नहीं हो पा रहा है। अभी हमने रटेल कैटफिश भी डाल दिया 3-4 दिन पहले, तो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। टैंक के 7 फीट टैंक है भाई, और क्या करें, और भी कितनी बड़ी टैंक चाहिए इन लोगों को, समझ में नहीं आ रहा। अभी देखो आप क्या सजेशन करना चाहते हो, अभी 2 दिन के लिए हम बाहर भी जा रहे हैं, नहीं रहेंगे, आने के बाद कुछ ना कुछ इसके ऊपर मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा। आप बताओ क्या करें।